तो कैसे हो आप लोग। मैं नरेश ठाकुर, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज फिर नए टॉपिक पे, जो पहले आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो यार निकाला था मैंने ब्रेक में से, तो 50% ठीक हो गया था, अभी 50% थोड़ा दिक्कत था इसमें, तो वो दिक्कत अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। ब्रेक कैलिपर खोल के उसमें सर्विस करेंगे। आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और अभी ये इसका ब्रेक कैलिपर खोलते हैं, तो पहले व्हील खोल लेते हैं। व्हील खोलने में तो आपको मालूम है, जैक चढ़ा के 5 मिनट खोलना, व्हील बाहर आ गया। अभी कैलिपर का आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने व्हील निकाल लिया है 5 मिनट खोल के, ये पड़ा। व्हील को ऐसे निकाल के गाड़ी के नीचे रख देने का, जैक के बाजू में। जैक छटकेगा तो ऊपर गिरेगी नहीं गाड़ी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और ये अभी कैलिपर निकालना है, एक कैलिपर खोलना है। तो एक नट ये ऊपर है, एक ये रहा नट दो, और ये जो रबड़ वाला दिख रहा है इसको साफ़ करना पड़ेगा, ये जाम हो गया थोड़ा। फिर अंदर का साफ़ करेंगे। तो एक कैलिपर खोल लेते हैं पहले, ये नट खोल लिए, दो नट थे, अभी एक कैलिपर पूरा बाहर आ गया, देखिए आप। तो इसको भी इधर रख देता हूँ मैं। ये लाइनर है, लाइनर की कंडीशन अभी अच्छी है, ये दोनों। इसमें अभी कहीं पे चिपक रहा है वो देखना पड़ेगा। तो अभी कैलिपर निकालने के बाद, ये दो नट है, इसको निकालने के बाद कैलिपर निकल आएगा। कैलिपर निकलने के बाद ये सलिया निकलता है इसके अंदर से। एक ऊपर ये सलिया है और एक नीचे ये रहा सलिया। तो इसको बराबर साफ करके ग्रीस लगा के वापस लगा देने का, ऐसे वर्किंग करना चाहिए बराबर। देखिए आप ऊपर वाला, तो इसको मैं पहले साफ कर दूंगा खोल के, बराबर अच्छे से पहले साफ करना पड़ेगा। ये पिन निकाल के मैंने साफ कर लिया बराबर, अभी दूसरी पिन निकालूंगा उसको भी साफ करूंगा, ये रही ऐसे खींच लेने की। अभी कैलिपर खोलने के लिए ये पाइप खोलना पड़ेगा, ये नट लगा हुआ है वो खोलना पड़ेगा। तो ये मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको अंदर सर्विस करके बताऊँगा। ये कैलिपर निकाल लिया मैंने, तो ये दो नट खोले थे, तो इससे ये कैलिपर बाहर आ गया था। और थी ये ऑयल की पाइप, ये नट खोला तो ऑयल भी बाहर आ गया इसमें चैम्बर में से, और ये पूरा खुल गया। ये एयर निकालने वाला नट जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, ये वाला, ये सिलेंडर बोलते हैं इसको ब्रेक का कैलिपर के अंदर। तो इसके अंदर ये रबर टूटा, इसी वजह से मिट्टी चली गई होगी, इसके लिए ये जाम हो गया है। तो अभी इसको निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए अभी पकड़ से ट्राई करूँगा खींच के, जो निकले तो ये ब्रेक दबाते हैं तभी ये सिलेंडर में प्रेशर आता है, ये बाहर की साइड दबता है तो जो डिश होती है अपनी वो इधर मूव करती होती है, तो डिश में से ये दोनों साइड से लाइनर चिपक जाता है। चलो तो अभी इसको खोलने का ट्राई करता हूँ। तो इसको मैं पकड़ से खींच रहा हूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर की साइड खींचना है, जो पकड़ से खींचे नहीं थोड़ा हार्ड हो तो फिर ऐसे पकड़ के ऊपर की साइड रखने का, एक खांचे में से स्क्रू ड्राइवर लगाने का, फिर ऐसे करके ऐसे दबाने का, तो ये बाहर की साइड निकलेगा आपको दिख रहा हो तो। ऐसे चारों साइड ऐसे करके निकालने का है, और आपको जैसे ये ऐसे निकालना ना आता हो तो फिर ये नट हमने निकाला था ना अभी, ये वाला जो ऑयल का नट निकाला था, ऑयल का नट निकालने का नहीं, वैसे लगा रहने देने का और ऊपर से ब्रेक दबाने की। ब्रेक दबाओगे तो ये धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, उसमें आपका ऑयल ख़राब ज़्यादा होगा, वेस्ट जाएगा। ये नया होगा तो, पुराना होगा तो चलेगा, वैसे भी आपको नया डालना पड़ेगा। तो मैं तो ऑयल नया डाला था इसलिए मैं ऐसे ये पकड़ को रखूँगा, फिर ऐसे करके ऐसे खींच लूँगा दबा के। तो ये सिलेंडर मैंने खींच के निकल लिया इसके अंदर से, ये रहा।
पूरा सिलेंडर, इसमें ये सब चिपका हुआ था रबर पूरा, इसकी वजह से ये जाम हो रहा था। ये देखो ये सब चिपका हुआ है पूरा, इसकी वजह से जाम हो रहा था, इसको साफ करना पड़ेगा। दूसरा ये अंदर देखो आप, ये पूरा अंदर चिपका हुआ है, इसकी वजह से सब जाम हो रहा था। ये सब अभी डीजल से साफ करना पड़ेगा। तो मेरा ये रबर टूट गया है, रबर टूटने की वजह से अंदर ये सब ऐसा खराब हो गया, डीजल से साफ कर दूंगा। ये सब रबर चिपका हुआ है, अंदर का गंदगी सब चिपका हुआ, इसकी वजह से ये रिटर्न नहीं आ रहा था। आपको दिक्कत हो से ऐसे लगा रहता है, जब ब्रेक दबाते हैं तब ये बाहर की साइड आता है ऐसे, ब्रेक छोड़ते ही ये अंदर चला जाता है। तो इसमें रबड़ ये चिपका हुआ था, इसकी वजह से ऐसे अंदर नहीं जा रहा था। अभी इसको साफ कर देता हूँ, ये क्लीन करके इसको सब ठीक से फिट कर दूंगा फिर गाड़ी में, फिर दूसरे सेट का खोलूँगा मैं। चलो अभी इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी इसको साफ करने के लिए मैंने ये डीजल लिया है, छोटा ब्रश लिया है और स्प्रे स्प्रे पंप ऊपर लगा दिया है, स्प्रे मार मार के डीजल से साफ कर दूंगा। ये पिन भी लेके आया हूँ, इसको भी डीजल से बराबर साफ कर दूंगा। तो पहले ये पिन को डीजल से साफ करूंगा, इसका रबर निकाल देता हूँ। ब्रश से घिस दूंगा ऐसे, अभी इसको साफ कर लेता हूँ ये सिलेंडर को। तो सिलेंडर में पहले ऐसे डीजल लगाऊंगा, डीजल लगा के फिर ब्रश से अच्छे से साफ कर दूंगा। इधर तो बराबर साफ हो गया, अभी सेट साफ करना है साइड में। पहले बराबर साफ कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर ये साफ करूंगा। तो इसके अंदर पहले डीजल मार के रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, डीजल मार के थोड़ी देर ऐसे रख दूंगा, तब तक इसको साफ कर लेता हूँ। ये सब क्लीन कर दिया अंदर से, अब देख पाओ तो दिख रहा है, और ये पिन भी क्लीन कर दिए दोनों, एक ये वाली ये क्लीन कर दिए और ये वाली क्लीन कर दिए दोनों। मेरा इसको भी जितना ज़्यादा हो गया उतना क्लीन की है, ये थोड़ा थोड़ा है, ये रस्टिंग का है, ये नहीं निकलेगा और ये कुछ प्रॉब्लम भी नहीं करेगा उतना। जो मेन है वो अपना इतना जो है ये वर्किंग का है, मेन इतना जो दिख रहा है ना इधर से आपको अलग ही दिख रहा होगा, ये वर्किंग नहीं करता, ये बाहर रहता है हिस्सा, अंदर की साइड इतना हिस्सा रहता है, ये डॉट तक इसके अंदर ऐसे रहेगा इतना रहता है। और ये सब अंदर से कचरा निकला है, ये दिख रहा है रबड़ का कचरा है और मट्टी है पूरा। चलो तो अभी इसको मैं फिट कर दूंगा। तो फिट करने में ऐसा कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ये इसको अंदर से लगा दूंगा और ये पट्टी तो उधर बाहर लगती है, वो है दो नट है स्क्रू और पीछे एक पाइप का ऑयल पाइप का है। ये देखो इसमें कचरा निकला है और इसके अंदर भी बहुत कचरा है, आपको दिख रहा हो तो ये देखो, इसको भी अभी साफ कर देते हैं। ये दूसरा वाला है, ये ब्लैक वाली पट्टी दिख रही है जो मेन, वो ऑयल सील है, ओ रिंग भी बोलते हैं, मेरे यह ठीक था इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। आपका चेक कर लेना, ख़राब हो तो चेंज कर सकते हो, ये सस्ता मिलता है, पूरा कैलिपर नहीं लगाना पड़ता है, खाली ओ रिंग ही चेंज होता है अंदर से। अभी ये बराबर साफ कर दिया है, ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल को मैं इसके रबड़ पे लगा के फिट कर दूंगा अंदर की साइड, ये सिलेंडर को बराबर, इसमें भी ऑयल लगा के इसको फिट कर दूंगा मैं। अभी ऑयल लगा दिया मैंने, ये डीजल लगा हुआ है इसके लिए वजह से ऐसे दिख रहा है। अभी इसके अंदर डाल दूंगा मैं, ये अंदर रबर में भी ऑयल लगा देने का,
ये सिलेंडर फिट कर देने का, ऐसे ऊपर रख के धीरे धीरे दबा देने का अंदर, ये अंदर दबा के बाद में आपको दिखाऊंगा आगे। अभी कैलिपर फिट कर दिया है और एक ये फिट कर दिया है ग्रीस लगा के अंदर। अभी दूसरा भी ये लगा दिया है, इसमें भी ग्रीस भर दिया है अंदर। ये रहा सलिया, सलिया में फिट कर दूंगा अंदर ऐसे। और लाइनर को ऐसे हम जमीन पे घिस देने का, तो ऊपर का ये डस्ट निकल जाएगा, ब्रेक अच्छी लगेगी। इसमें भी घिस देने का दोनों। ये दोनों पिन में लगा दिए बरोबर, ये रबड़ ऊपर से चढ़ा देने की, तो अंदर गंदगी नहीं जाएगी वरना वापस वही दिक्कत रहेगी इसमें भी। ये भी हो गया, इसको भी बरोबर कर दिया, पर स्मूथ वर्किंग कर रहा है। अभी एक कैलिपर है, इसको फिट, कैलिपर को फिट करने के लिए पहले इधर लाइनर रखना पड़ेगा, एक लाइनर इधर ऐसे लगा देने का, दूसरा लाइनर इधर ऐसे लगा देने का, ऐसे रख के फिर ये अपना कैलिपर बिठा देने का, फिर ये स्क्रू लगा देंगे इधर। ये ऊपर लग गया, अभी नीचे स्क्रू लगा दूंगा दूसरा, ये रहा बस, ये अपना फिट हो गया। अभी ऑयल की पाइप लगा देने की, ये ऑयल का नट है, वॉशर के साथ है, दो वॉशर रहेंगे, एक पाइप फिट होगा, पाइप के एक इधर नट के इस साइड रहेगा, फिर पाइप लगेगा और दूसरा वॉशर है उस साइड रहेगा, बीच में पाइप रहेगा। तो पाइप में मैंने ऐसे करके रखा है क्योंकि ऑयल निकल रहा था, ये देखो ऑयल निकल रहा था इसलिए मैंने ऐसे बोतल रख दी है पाइप अंदर डाल के। तो फिर पाइप में फिट कर लेता हूँ पहले, बाद में आपको दिखाता हूँ। ये बरोबर फिट हो गया है, तो इसको जो क्लीन किया था, ग्रीस लगाया था हमने, तो ये देखो अभी ऐसे वर्किंग करता है। ठीक है, ये अभी फ्री हो गया है, ऐसे फिट कर देने का। ये नट लगाया है इससे, एक इधर वॉशर लगाया, दूसरा वॉशर इधर, इसको ऐसे रख के फिट कर देने का, इसे रख के फिट कर देने का। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।